राजनांदगांव में पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देते हुए चोरों को रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी एटीएम को तोड़कर चोरी करने का प्रयास कर रहा था, जिसे पुलिस ने चोरी करने से पहले ही पकड़ लिया। राजनांदगांव में पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने आए चोर को रंगे हाथों पकड़ा है। सोमनी थाना क्षेत्र में बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम लगा हुआ है, जहां एक अज्ञात व्यक्ति शटर का ताला तोड़कर एटीएम से चोरी करने का प्रयास कर रहा था। तभी पुलिस की पेट्रोलिंग टीम वहां से गुजरी। इस दौरान एटीएम शटर का ताला टूटा देखकर पुलिस को शक हुआ। पुलिसकर्मी ने फौरन शटर बाहर से बंद कर दिया, जिससे आरोपी भागने में असफल रहा, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि बैल दौड़ में करीब 2 लाख रुपए हारने के बाद वह बड़ी चोरी कर पैसा कमाने की फिराक में था। उसने रात का फायदा उठाकर एटीएम से पैसे चोरी करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। कल बीती रात 2:30 बजे हमें सोमनी थाने में कंट्रोल के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई है कि बैंक ऑफ बड़ौदा एटीएम सोमनी में कोई अज्ञात व्यक्ति एटीएम के साथ में छेड़छाड़ का प्रयास कर रहा है। सूचना मिलने के तत्काल ही 10 मिनट के अंदर हमारी पेट्रोलिंग टीम और हमारे थाना प्रभारी सोमनी स्वयं वहाँ मौके पर गए, और वहाँ जाके जब देखा तो एक व्यक्ति अंदर में एटीएम को तोड़ रहा था और वहाँ से पैसे निकालने का प्रयास कर रहा था। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 consecutive years। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।